ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल मिनी लैपटॉप। ये देखो साइज देखो क्या पिद्दी सा, बहुत ही छोटा बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा भाई लैपटॉप है। इस लैपटॉप के अंदर एक बिल्ट इन कंट्रोलर मिलता है, लेटेस्ट प्रोसेसर है, 1 TB SSD लगा रखी है, सारे लेटेस्ट गेम्स खेल सकता है, उसके साथ साथ प्यार भरपूर। टीम से आके पूछेंगे भाई आप भी गेस करने की कोशिश करो इस वाले लैपटॉप के अंदर कौन सा प्रोसेसर ऐड कर रखा है, i3 है, i5 है, i7 है, i9 है, इन चारों में से गेस करना पड़ेगा। भाई इसमें प्रोसेसर है भी i7 होएगा शायद, तो i3 लग रहा है, i5 भी होगा भाई, भाई इसमें i7 लग रहा है। टॉप साइड में देखो भाई GPD लिखा है, GPD का जो नो मतलब नहीं होता, गोरिल्ला प्रोटेक्शन डेवलपमेंट, मजाक कर रहा था। आप पूछोगे इसका चार्जर कहां है, केबल कहां है, नहीं दिखाऊंगा, क्यों दिखाऊंगा, मजाक कर रहा था। एक्चुअली हुआ क्या, दुबई से लाया, भूल गया बाप। इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ऊपर सारे पोर्ट्स लिख रखे हैं, नीचे की साइड अपना फैन वैन लगा रखा है, और इतने छोटे साइज में इतना पावरफुल कंप्यूटर डालना बहुत बड़ी बात है भाई। हमने GPD का पहले विन भी ट्राई करा भाई, वो भी हमको काफी कूल लगा था अपने साइज के अकॉर्डिंग, और भाई एक्चुअली काफी ज्यादा पावरफुल था, और हमने सोचा भी नहीं था कि इससे ऊपर भी कुछ हो सकता है, बट ये उसका भी लेवल अप भाई। आपके PC की भाई टॉप एंड वाली गेम्स आराम से चला सकता है भाई। जैसे कि देख सकते हो एक काफी डिफरेंट स्टाइल का बिल्ड है इसके अंदर, एक बिल्कुल भी एक बल्कि डिजाइन नहीं, मतलब थोड़ा सा ऐसे मोटा सा फील होता है, बट एक्चुअली काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ये काफी हद तक एक मिनी लैपटॉप वाली फील देता है, और ये एक्चुअल किसी भी कंप्यूटर के हिसाब से भाई काफी ज्यादा हल्का है, और ये अलग सा भाई प्रोफेशनल सा कंप्यूटर लग रहा है। बट आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, बटन निकल रहे हैं इसके साइड में भाई, पूरा कंट्रोलर है ये देखो भाई, डिक्चिक डिक्चिक भाई। राइट साइड पे देखो दोनों SD कार्ड का स्लॉट, एक छोटे वाले का, एक बड़े वाले का, लेफ्ट में USB 3.2 Gen 1 पोर्ट भाई, बड़े बड़े। ये क्या है, ये बटन है, ये कंट्रोलर वाला बटन है भाई, गेमिंग कंसोल बनाना चाह रहे थे भाई, इन्होंने लैपटॉप गलती से बना दिया। नीचे की तरफ भाई जल्दी देख सकते हो भाई, वेंट्स लगा रखे हैं ताकि गेमिंग में हीट ना हो ज्यादा, और काफी बड़ा पंखा भी लगा रखे अंदर ही से, गर्मी भाई लैपटॉप को भी लगती है, हमको लग रही है ना गर्मी यहाँ पे, मैं बाल बाल सेट कर रहा हूँ बार बार, सेम लैपटॉप भाई AC चीज फंक्शन, और अगर आप शिफ्ट बटन दबाते हो ना तो एक्चुअली भाई पंखे तेज जाते हैं भाई। बिल्ड की अगर मैं बात करूँ, ऊपर से नीचे तक लोहा यहाँ पे मैग्नेट तक लगा रखे हैं भाई इसके अंदर, ये भी लोहे के, ये देखो ये देखो छुपा भाई, स्क्रीन तो ऐसी कर रखी है, कैमरा कहाँ लगा रखा है, कैमरा यहाँ पे लगा रखा है छोटा सा भाई, ये गोल गोल, ये देखो ऐसा छुपा के, मतलब सही लगी ऐसे लोकेशन, क्योंकि ऐसे स्क्रीन ऐसे खोलते ना गंदा हो जाता है यहाँ पे ऐसे। पर भाई पूरी एल्यूमिनियम बॉडी और नीचे एविएशन ग्रेड ABS मटेरियल लगा रखा है, जिन्होंने नहीं पता जो प्लेन में लगता ना वो सेम। इसमें 1 TB आपको स्टोरेज देखने मिलती है, बट आप 8 TB तक एक्सपैंड कर सकते हो, कोई छोटा सा कीबोर्ड देखने को मिलता है, और टाइपिंग थोड़ा सा मतलब बड़ा होता तो बढ़िया रहता, बट लाइक पूरी जगह खेल रखी है भाई। भाई अब टाइम आ गया भाई, रंजन भाई बटन दबा दिया जाए भाई, दबा दे कब से रुक के खड़ा, छोटे पैनल के अंदर हमने वीडियो देखी, गेम चलाई भाई, क्या क्या मजा आ रहा था यार। ये हमने देखो लेयर्स की स्किन दिखा रहा हूँ मैं, अलग अलग उस टेक्सचर्स हैं, अलग अलग डिजाइन है, वाह। layers.shop लाइट चलेगी, बट स्किन हमारी सबसे तगड़ी। डिस्प्ले को भाई ऊपर नीचे कर लो, लेफ्ट राइट कर लो, कहीं से भी फेड नहीं हो रहा भाई, मेरे को प्यारा सा लगा, और पतला सा भी यार डिस्प्ले। ऑन द बोर्ड डिवाइसेस इसमें आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस देखने में, 400 निट्स जिन्होंने कहा बढ़िया चमकीला, इतनी हाई ब्राइटनेस आपको मतलब थोड़े एक्सपेंसिव लैपटॉप्स में देखने मिलते हैं। जो भाई एक चीज मेरे को और तगड़ी लगी, इसमें टच स्क्रीन भी है, और इसके साथ साथ इस लैपटॉप के अंदर गोरिल्ला ग्लासेस, गोरिल्ला ग्लास एक्चुअली एकदम ही हाई एंड जो लैपटॉप्स होते हैं बस उन पे आपको देखने के लिए मिलता है, और इस पे भी भाई ऐड कर रखा है। कलर्स डिस्प्ले के एक्चुअली काफी ज्यादा एक्यूरेट है, हमने इसके ऊपर प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर सब चला के देखा, सब एक्चुअली काफी स्मूथ चल रहा था। क्रोम पे भी हमने 20-30 टैब चला लिया, 4K वीडियोस रन कर रहे हैं, रुका नहीं भाई लैपटॉप। इस पर ड्राइंग बनाना भी काफी मस्त रहा था, इसमें मैं माशुगा की पेंटिंग हो, नागिन का नाच दिखाना हो, सबकी ड्राइंग बना लूंगा भाई यूं ही करके। इसमें मैंने बोल दिया पेंट तो बनाएंगे भाई, ये देखो भाई ने क्या बनाया नागिन। डिस्प्ले का टच भी एक्चुअली काफी रिस्पॉन्सिव है, थोड़े से टच से भाई चीजें हो जाती हैं, और टच स्क्रीन पकड़ के भी हाथ में गेमिंग कर सकते हो, वो मेरे को काफी तगड़ा सा लगा भाई, इसलिए हम इस पे खेलेंगे दिल का गेम हार्ट्स। ये पत्ते बढ़ गए अपने, डन डन डन, ये देखो भाई पत्ते पास हो गए ये लोग। भाई हार्ट्स हम ज्यादा नहीं खेलते क्योंकि दिल तो हमारा आपके पास है। बहुत बढ़िया गेमिंग के लिए भाई, मेरे को एक्चुअली काफी एक्साइटमेंट, बट एक बार स्पीकर टेस्ट करके देखते हैं। मैं जब भी वर्कआउट करता हूँ मैं बस तंदूरी नाइट, छोटा सा लैपटॉप है और उसके हिसाब से स्पीकर काफी पावरफुल है भाई। मेरा कैमरा टेस्ट करने मन कर रहा है, कैमरा अगर तगड़ा हुआ तो मेरे को मजा आ जाएगा भाई। ये व्यू ही अलग सा है यार, ऐसा लग रहा है पेड़ दिखा रहा हूँ मैं। देखो हम तीनों, ये देखो पीछे भी हमारे दोस्त है, फिर मतलब डिसेंट है। मेरे को इसमें गेम चलाने काफी एक्साइटमेंट, कंट्रोलर भी ऐड कर रखे हैं, जॉयस्टिक भी ऐड कर रखी है, कुछ तो अलग हुआ गेम में। इस छोटे से लैपटॉप के अंदर 4 सराउंड साउंड स्पीकर है। ये लैपटॉप एक्चुअली छोटा सा है तो इसकी बैटरी 65 वाट आवर तक चल जाती है, तो मतलब 2-3 घंटे आपको बैटरी लाइफ मिल जाती है, जो इस फॉर्म फैक्टर के हिसाब से भाई
मैं अच्छा बोलूंगा। और परफॉर्मेंस की बात करें तो इस वाले लैपटॉप के अंदर i7 1260p प्रोसेसर, भाई i7 इतने छोटे से लैपटॉप के अंदर डाल पाना बहुत ही बड़ी बात है। उसके साथ साथ 16GB रैम, इंटेल के आईरिस XC ग्राफिक्स, सारी चीजें भाई एकदम टॉप ऑफ द लाइन। डेडिकेटेड इतना बड़ा बड़ा आता वो तो नहीं लगेगा इसके अंदर ग्राफिक कार्ड, बट भाई क्या क्या डालो इसके अंदर। इसमें भाई डुअल कंट्रोलर दे रखा है, उसके साथ साथ डुअल वाइब्रेशन वाली मोटर देखने को मिलती है। भाई एक्सबॉक्स और उससे कंपेयर करोगे PS5 तो पूरा यूनिटी वाइब्रेट कर रहा, पूरा लैपटॉप ही वाइब्रेट मारता है। भाई फोर्ज़ा जैसे देख सकते हो 32 FPS 34 FPS आ रही है भाई। एक्चुअली ग्राफिक्स काफी ऊपर कर रखे हैं, क्या टक्कर भी मारेंगे आगे पीछे तो सब तंग कर रहे हैं भाई हमको भाई, बट डरना नहीं हमको। 35-40 FPS आ रही है भाई जो मस्त अग्री भाई, एक पोर्टेबल लैपटॉप के हिसाब से भाई काफी तगड़ी परफॉर्मेंस मैं बोलूँ। भाई अब खेलेंगे GTA 5, जैसे कि देख सकते हो भाई बंदूक लेके मैं आगे दौड़े जा रहा हूँ और जितने टेक्सचर्स हैं दीवारों पे वो काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं और भाई एक्चुअली ज्यादा लैग भी नहीं कर रहा है। इसको कीबोर्ड से भी चला सकते हैं, जॉयस्टिक से भी मैं चला सकता हूँ और भाई एक्चुअली GTA 5 इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में चल भी पा रही हो मेरे को भाई हैरानी हो रही है, बट मजा तो आ रहा है भाई चलाने में। नेक्स्ट हम चलाएंगे गॉड ऑफ वॉर। यहाँ पे अपने अंकल ने भाई अपने भाई से बना रखे हैं, बट हम नहीं डरेंगे यार भाई सबसे, मैं भी जा रहा हूँ जिम। जो टेक्सचर्स हैं इसमें जमीन के, जो घास है, सारी चीजें हैं, वॉल्स हैं, वो सब काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। और ऑफकोर्स भाई गेम प्ले में कहीं पे भी लैग या कहीं पे भी डिले नहीं देखने के लिए मिल रहा। ये डिवाइस भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा यूनिक लगा क्योंकि एक हाथ में इतना छोटा सा फिट आता है, लैपटॉप बैग में पता भी नहीं चलता, और इसके अंदर हम भाई हाई एंड गेमिंग कर सकते हैं, काफी प्यारे प्यारे गेम्स चला सकते हैं। प्लस इसमें कंट्रोलर भी है तो मेट्रो में बैठ के गेम वेम खेल लो, फीफा खेल लो, तो मजा भी आता है। बट इस वाले लैपटॉप का प्राइस 1,00,000 रुपए के अराउंड है, जो मतलब डेफिनेटली हाई लगता है, बट इस कॉम्पैक्ट साइज में यार ये सारी चीजें मिल पा रही हूँ, बढ़िया चीज है। बस एक दिक्कत है, इंडिया में नहीं मिलता, ये बाहर से इंपोर्ट कराया हमने, और बैकलेट कीबोर्ड वीबोर्ड सारी चीजें थी, बट लाइक इंडिया में आया और बढ़िया रहेगा। बट अभी के लिए आप चला लो यार, PS5 ले लो, लैपटॉप टॉप ले लो, बढ़िया आते हैं। बट ये छोटा था हमने सोचा भाई ट्राई करना बनता, और एक चीज और आप ट्राई कर सकते हो वो है नीचे टेक बटन सब्सक्राइब बटन। चलो भाई।